सुरेश मामले चो अपडेट दस दिने कि लगातार 36 घंटिया तो सुरेश जेड़ा बोर दे विच फसिया होया है। लगातार एनडीआरएफ दी टीम ते एनएचए दी टीमां जेड़ियां ने उस रेस्क्यू ऑपरेशन नूं चला रहियां ने, लेकिन दस दिने कि जेड़े मिट्टी दे ढेर ने वह मुसीबत पैदा कर रहे ने, क्योंकि मिट्टी इन्नी ज्यादा है ते उहदे नाल की हो रहा है, रेस्क्यू करन च ज्यादा टाइम लग रहा है। फिलहाल एनएचएआई दे अधिकारियों दे वल्लों यह खबर मिली है कि जेड़ा सुरेश है वह सीधा खड़ा हो लगातार उसनू बाहर कढ़न की कोशिश की जा रही है, लेकिन मिट्टी जेड़ी है वो रेस्क्यू ऑपरेशन दे विच एक सब तो वड्डी दिक्कत जेड़ी है वो बन रही है। हाल लेकिन जेड़ी है तस्वीरां जेड़ियां तुसीं देख सकते हो ये बहुत डरावनियां ने, क्योंकि 36 घंटे हो चुके ने लेकिन हजे भी सुरेश जेड़ा है वो बाहर नहीं निकल पाया। तस्वीर असं तुहानू सुरेश दे रेस्क्यू ऑपरेशन दिया दिखा रहे हैं, तो दसी कि रेस्क्यू ऑपरेशन वाली थां ते सुरेश दे छोटे भरा सत्यवान मौजूद ने, गलबात कर रहे हैं। सर तुहानू कदों इस दी जानकारी मिली है कि उन्होंने नाल ये मनभागा हादसा वापर रहा है? मेरे को सुबह पता लगा 6:30 जी फोन आई है, इसे को जानकारी था फोन, उनके फोन आ के भाई तेरे भाई के साथ ऐसा हादसा हो गया जी, तो फिर मैं वहां से चल दी। सिर्फ प्रशासन नाल की गलबात हुई है, की कह रहे हैं प्रशासन, हुन की हालात ने उन्होंने? प्रशासन तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा जी, तब से गिरा है ये जी, तब से मिट्टी गिरी, प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, और देखो उसके सांस होने दो बच जाएगा, कोशिश करना फर्ज है प्रशासन का, कंपनी वालों का, वो कोशिश करे। सर देर शाम 7 बजे के करीब बोरवेल दे विच डिगे सीगे, तो तुहानू सवेरे पता लगे इस बारे? हां मैंने सुबह पता लगा जी, हां शाम को नहीं पता लगा मेरे को जी, हां हादसा तो शाम को हो लिया ना 7 बजे, मेरे को सुबह पता लगा 6:30 में, तो कोशिश ही नहीं करी मैंने, फिर सुबह मेरे पास फोन आया तो सुबह से मैं चला हूँ यहाँ से। सर जो मनभागा हादसा वापरा, इसनूं प्रशासन की लापरवाही मान रहे हो या फिर लगता है कि किस्मत के कारण कुछ अजिहा हादसा वापरे, की लग रहा है तुहानूं? ये तो कुछ मानो जी कुदरत कह लाओ, प्रशासन लापरवाही लाओ या रोड की लाओ या कुछ लाओ, समय की बात, समय जो भाग में होता है। कितने समय तो इस कंपनी नाल जुड़े हुए सी? कंपनी ने सुबह से करते थे काम, ये कंपनी के साथ तो बाद ज्यादा टाइम नहीं जुड़े थे। कितने साल हो गए ने इस कंपनी नाल? घरेलू काम करते, कंपनी के साथ तो कभी कभार काम करे थे जी। पहले भी कई बार इदा उतर चुके ने, इदा मतलब बोरवेल दे विच? हां हां काम करे थे, बस पहले कंपनी के साथ थे और भी काम करते थे, और गांव में भी जिस तरह काम करते, गांव में इस तरह ट्यूबवेल होते अपने जी, इस तरह काम करते थे अपना जी। सुरेश दे परिवार की गल करिए, तो उन्होंने अपने परिवार दे विच कौन कौन है? हम 3 बहन 3 भाई जी, मैं छोटा हूँ सबसे जी। सुरेश मिडिल दे विच प्रा सीगे, विचले प्रा सी? हां मिडिल जी, हां मिडिल जी, मैं छोटा हूँ परिवार में सबसे जी, सबसे बड़ी बहन है। 52 साल उन्हां दी उम्र है, बच्चियां दी गल कीती जावे तो बच्चियां दी उम्र कितनी है, तो इस समय कितने ने बच्चियां के है? एक बड़ा ही है, 30 साल है, 30-35 जी, लड़की 25 साल है, 22 साल है, 3 बच्चे 2 लड़के 1 लड़की। सर एक हालात इत्थे दे बहुत चिंताजनक ने, क्योंकि 70 फुट डूंगा जिहड़ा है बोर है, परिवार नूं जदों इह खबर पता लगदी है, परिवार दे विच भी इस समय माहौल थोड़ा चिंताजनक बनिया होएगा, परिवार दे हालातां दे बारे में थोड़ा जानना चाहनी है कि की है? किसी के घटना घट जाओ कोई भी सदस्य, देखो दुख तो सभी को होता जी, घर से अपने बंदा जाता है या कोई भी जाता है, दुख तो सभी को होता है, हादसा किसी का जा परिवार का बंदा या कोई घटना घट जाती है, आपको होता है, आपने दुख होता है, सभी को होता है अपने दुख। सर प्रशासनिक अधिकारियों तो या फिर जिहड़ी प्राइवेट कंपनी है जिन्हां दे नाल काम चल रहा सी, उन्हां तों की मांग कर रहे हो? कोई मांग नहीं, हम तो ये मांगते भगवान से दुआ करते हैं अपने स्वस्थ रहे, बच जाए जी, हम तो ये दुआ करें, हम तो मैं को कंपनी से कुछ मांग करें, हम तो ये करिए भाई इसकी जान बच जाए, सबसे बड़ी बात है। ठीक है सर, बहुत सुरेश दे छोटे भरा सत्यवान मौजूद सीगे जिन्हां दे नाल असीं गलबात कीती है, जो कि जिंद हरियाणा तो इत्थे पहुंचे ने अपने परिवार, अपने भरा दी चिंता, भरा नूं लैके चिंता दे विच जिहड़े नजर आ रहे ने, दस्सदी कि उहनां दा भरा जिसदा नाम सुरेश है, वड्डा भरा दस्सिया जा रहा है जो कि 70 फुट डूंघे बोर दे विच डिग चुक्या है, जिसदी कि चिंता दे विच परिवारिक मैंबर जिहड़े ने हुण पंजाब पहुंच चुके ने, उन्हां दा कहना है कि पहला भी अजिहे बोरां दे विच उतरदे रहिंदे ने, पर इस बारे हादसा किवें वापरिया उन्हां नूं नहीं पता लगा, पर हुण अपने भरा की चंगे दे लई जिहड़ा है उन्होंने वालों कामना की जा रही है कि जल्द तो जल्द बाहर निकलन ते ओह पूरी तरह सुरक्षित होन। कैमरामैन तरुण दे नाल अंश चड्डा, पंजाब बुलेटिन जलंधर।